अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ योर टीचर मिस्टर असलान बाबर इज़ हेयर फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इस पे ओवरऑल टोटल। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 3। ऑलरेडी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक इसका पार्ट नंबर जो 1 और पार्ट नंबर 2 है, एक्चुअली वो लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 है। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर ये नहीं देखा तो काइंडली आप लोग ये दोनों लेक्चर जो हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 जो कि रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। चैनल का नेम है अकाउंटिंग विद अरसलान बाबर, तो आप वहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसमें अगर देखें तो ये हमारे पास अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का टॉपिक है आज। स्टूडेंट, जैसे कि पता है कि आपको ये वाला हमारा जो टॉपिक्स जो हमारे चल रहे हैं ये सब डिफरेंट लेवल पे इन तमाम क्लासेस में चल रहे होते हैं, आई कॉम, बी कॉम, बी बी ए, बी एस और एम एस सी आई टी में। तो एक्चुअली आज किस का जो लेक्चर है इसका मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक वो अंडर कास्ट ओवर कास्ट अकाउंटिंग एरर है। इसको हम टाइप एरर 3, एरर टाइप 3 भी बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका मेन ऑब्जेक्टिव या डिस्कशन जो है वो ये है हमारी कि हमने ये डिस्कस करना है कि थ्योरी एंड कंसेप्चुअल डिस्कशन, सारी की सारी हमारी कंसेप्चुअल और थ्योरेटिक डिस्कशन है जो जिसके बारे में है वो है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट एरर के बारे में। इसमें हमने आज कोई न्यूमेरिक डिस्कस नहीं करना, जस्ट इसकी थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपको एक्सप्लेन करना है और समझाना है। देखिए तो यहाँ पे मैंने चार्ट एक डेवलप किया आप लोगों के खातर जिसमें मैं एक चीज़ ये कवर करना चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में टाइप एरर टाइप 1 को डिस्कस किया। चार्ट किस तरह है, फ्रेमवर्क, एरर टाइप नेम, मिस्टेक, अफेक्ट्स ऑन अकाउंट्स, उसकी जनरल एंट्री। अब देखें टाइप वन एरर एक्चुअली कौन सा था जो हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया, अकाउंट मिस्टेक। एक्चुअली एक सिंगल अकाउंट की गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल वी पेड सैलरीज बट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, तो ये हमारे पास कौन सा एरर है, टाइप वन एरर है। एक्चुअली अकाउंट मिस्टेक है, एक अकाउंट में गलती है, एंट्री थी पेड रेंट बट डेबिटेड टू सैलरीज, पेड रेंट एंट्री होनी थी रेंट टू कैश, उसने क्या कर दिया सैलरीज टू कैश, उसने रेंट की जगह पे किस अकाउंट में गलती कर दी, एक अकाउंट में गलती आज लिखना रेंट था उसने किसको लिख दिया सैलरीज को, तो इसकी ऑलरेडी जनरल एक एंट्री ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद होती है। जो आप इसके मैंने जो एग्जांपल दी तो इसमें एंट्री कौन सी बन रही है आपके पास, इसमें आपके पास बन रही सैलरीज टू कैश वाली। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप टू एरर जिसे हम बुक मिस्टेक बोलते हैं, एक बड़ी मिस्टेक है जिसमें दोनों जो अकाउंट्स जो लिंक चीज़ें हैं वो आपस में दोनों ही गलत आ रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इससे दो अकाउंट डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल समझिएगा, परचेज रुपीज़ 2000 फ्राम अहमद, परचेज गुड्स रुपीज़ 2000 फ्राम अहमद, इसकी एंट्री बनती थी परचेज टू अहमद, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, थ्री चीज़ें परचेज लेकिन किस में लिख दिया सेल बुक में लिख दिया, तो ये बुक एरर है, बड़ी मिस्टेक है, एक बड़े लेवल की मिस्टेक है जिसमें दोनों अकाउंट डिस्टर्ब होंगे, तो एंट्री बननी थी करेक्ट परचेज टू अहमद, परचेज गुड फ्राम अहमद, सोल्ड गुड्स टू अहमद हमने लिख दिया, सेल बुक में लिख दिया, तो हमने कर दिया अली टू सेल्स, तो दोनों अकाउंट्स आने तो इसकी भी जनरल एंट्री बनती होती है, जैसे कि अभी हमने की कि सेल्स टू अली टू सॉरी अहमद टू सेल्स की हमने। टुडे हमारा हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है एरर टाइप 3 एरर जिसे हम बोलते हैं। इसलिए टोटल अमाउंट की मिस्टेक होती है, सिंपल मतलब क्या टोटल अमाउंट मिस्टेक क्या है, सपोज एक अकाउंट है, सपोज वो परचेजेज है, उसका टोटल बनता था 10,000, हमने 10 की बजाय उसका लिख दिया है 11,000, तो ये क्या है, ये मोर अमाउंट है। अगर हमने उसका लिख दिया 9500 तो ये क्या लेस, इन सिंपल जितना टोटल बनता है उससे अमाउंट कम कर देना या ज़्यादा कर देना, ये एक्चुअली होता है हमारे पास टाइप 3 एरर, और इसको हम वन साइड एरर भी बोलते हैं। वन साइड एरर हम इसको इसलिए बोल रहे होते हैं कि एक्चुअली उसी अकाउंट की गलती होती है, और नो एंट्री मतलब इसलिए है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी एंट्री कोई पास नहीं होती। देखिए जब भी हम किसी चीज़ किसी अकाउंट का अकाउंटिंग में टोटल करते हैं तो उस टोटल की हम कोई एंट्री पास नहीं करते होते। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज का टोटल करते हैं तो आता है 10,000, हम इस 10,000 की कोई एंट्री टोटल की कोई एंट्री पास नहीं करते होते, तो इसलिए कोई इसकी एंट्री पास नहीं हुई होती। अब आते हैं हम
हमारा नेक्स्ट ये है कि हम देखना कि ओवरकास्ट एरर क्या है और अंडरकास्ट क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि ओवरकास्ट को कैसे रेक्टिफाई करना है, अंडरकास्ट को कैसे रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओवरकास्ट एरर? एरर ऑफ कास्टिंग, जैसे कि आपको पता है, एरर ऑफ कास्टिंग में ये कि हमारे पास अ मिस्टेक इन रिलेशन टू टोटलिंग इज कॉल्ड एरर इन कास्टिंग। हमने जो टोटल था उसमें जब मिस्टेक करते हैं, कभी कम किया या ज़्यादा कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। तो व्हाट इज़ ओवरकास्ट एरर? नाम से जाहिर है, ओवर ज़्यादा कर दिया। इफ देर इज एक्सेस टोटलिंग द एरर इज ओवर कास्टिंग, इतनी अमाउंट बनती थी उससे ज़्यादा लिख दिया, तो ये ओवर कास्ट का एरर है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, हमारे पास 2000 प्लस 21 टोटल बनता था 5000। इसकी टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट इसकी है 5000। इसी टोटल को अगर हमने क्या किया, टोटल की बजाय हमने इसको लिख दिया 6000, बट टोटल वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹6000। तो ये हमने उसको ओवर कर दिया, लिखना 5000 था, हमने इसको कितना लिख दिया, इसको लिख दिया 6000। तो ये हमारे पास जो एरर है, ये ओवर कास्ट का एरर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा अंडर कास्ट। अंडर कास्ट एरर, इफ देर इज अ शॉर्ट टोटलिंग, तो ये हमारे पास अंडर कास्ट एरर है, जिसमें हम इफ देर इज अ शॉर्ट टोटलिंग द एरर इज अंडर कास्ट, जितनी अमाउंट बनती है उसमें हमने कम लिख दिया, तो ये होता है हमारे पास अंडर कास्ट का एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, टोटल एक चीज़ का बना है 7000, अगर हमसे मिस्टेक क्या होती है, हमने क्या कर दिया, बट जल्दी में हमने टोटल उसका लिख दिया 6500, बनता कितना था 7000, तो हमने कम लिख दिया। टोटल से जितना अगर कम लिखते हैं तो उसके एरर का नाम क्या है, अंडर कास्ट एरर। इसमें हमारे पास ये देखिएगा, परचेज बुक हमारी क्या थी, ₹2000 से ओवर कास्ट थी, परचेजेस ओवर कास्ट हैं, एक्सपेंस नेचर इसकी डेबिट है, ओवर कास्ट में अपोजिट करना हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो इसे क्या कर देंगे अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डेबिट कर देंगे किसके साथ, सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमें पता चल गया था, जब हमने ट्रेवल्स प्रिपेयर किया था, हमें गलती आ रही है। गलती क्या थी, हमारी जो परचेजेस बुक जो इसकी हमने ये ओवर थी, ये ज़्यादा कर दी हुई थी, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, इसीलिए हमने जब इसको सस्पेंस अकाउंट आप क्या कर दिया, यानी कि अब ये ओवर था, हमने ज़्यादा कर दिया था, ओवर हमने क्या किया, अपोजिट टू नेचर, क्रेडिट कर दिया, अगर कुछ नहीं आया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। तो अब नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पे, हाउ टू रेक्टिफाई अंडर कास्ट एरर। हमने यहाँ पे देखना कहा, हम अपने अंडर कास्ट एरर, आपको पता है हम पहले बता चुके हैं आपको कि व्हाट इज अंडर कास्ट एरर, इसका क्या है कि आपने गलती से कम लिख दिया। देखिए, जब आपने जो लिखना था उससे कम लिखा है, तब इसका सलूशन क्या है, कि सलूशन ये है कि हैव टू इंक्रीज। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना है कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इंक्रीज करना है, सलूशन हैव टू इंक्रीज, हमने उसको इंक्रीज करना है। अब अगर देखें तो इसमें हमारे पास अंडर कास्ट था, अंडर कास्ट में हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है अमाउंट को, तो इसमें भी सेम स्टेप उसी तरह ही है। फर्स्ट स्टेप, चेक द नेचर ऑफ अकाउंट, हम नेचर जो अकाउंट की नेचर है उसको चेक करेंगे। और सेकंड स्टेप क्या है, देखें यहाँ पे अंडर कास्ट मतलब हमने कम लिख दिया, कम लिखना, अब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा। तो आपको पता है, जब भी हम अकाउंटिंग में कोई चीज़ ऐड करते हैं, हमें हम प्लस नहीं करते, हमें बढ़ाना या काम करना, हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है, और मोस्टली जब हमने इंक्रीज करना होता है तो उसको हमने करना होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। अब इसका मतलब क्या है, अगर किस चीज़ की नेचर डेबिट है, उसमें अगर डिक्रीज आया तो उसे हम क्या करेंगे, मजीद डेबिट कर देंगे। और किस चीज़ की नेचर क्रेडिट है, किसी हेड की सपोज लाइबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, तो वो क्रेडिट उनकी नेचर होती है, उनमें अगर डिक्रीज है, अंडर कास्ट है, तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग कर देंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल कहता है, रेंट अकाउंट अमाउंट 1000 अंडर कास्ट अकाउंट नेम, सेम वही मेथड, फर्स्ट हम चेक करेंगे अकाउंट की नेचर क्या है, तो उससे पहले अकाउंट का नाम, उसका हेड आइडेंटिफाई कर लें, अकाउंट नेम, एक्चुअली यहाँ पे अकाउंट नेम क्या है, रेंट है, इसकी नेचर क्या होती है, डेबिट, डेबिट नेचर इसलिए कि इसलिए ये क्या है, ये रेंट का हेड क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट। तो क्या करना है हमने जी, जब अंडर कास्ट होगा तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नेचर, इसमें अकाउंट क्या है, रेंट, इसकी नेचर क्या है, डेबिट है, तो डेबिट होगा तो क्या करेंगे, इसे मजीद डेबिट करेंगे, तो सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर क्या है, डेबिट, तो हम मजीद डेबिट कर देंगे, तो रेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं अंडर कास्ट या ओवर कास्ट की, तो वहाँ पर हम कोई भी
करेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये टोटल की गलती होती है, तो टोटल की गलती में कोई एंट्री पास नहीं होती, इसलिए ना ही हमें कोई करेक्ट एंट्री ना ही रॉन्ग होगी, हम डायरेक्ट रेक्टिफाई कर देंगे। तो रेक्टिफाई में क्या, रेंट तो आ गया, अब क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं आता, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। इसका मैं आगे आगे इन डिटेल बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अभी आपने फिलहाल यही याद रखना है, जब भी हम रेक्टिफाई एंट्रीज बना रहे होंगे अंडर कास्ट की ओवर कास्ट की, तो अकाउंट की रेक्टिफाई करने के बाद दूसरी अपोजिट साइड पे जो चीज़ लिखनी होगी वो आपने क्या लिख देनी है, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, एक अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है हमारे पास अंडर कास्ट की ओवर कास्ट की, उसी के रिलेटेड एक हिंट है जो आपने याद रखना है इसके बारे में, बहुत इजीली आप इस पर ग्रिप भी कर लेंगे। क्या है ओवर कास्ट, मतलब गलती है, कास्टिंग एरर है, टोटल का एरर है, और टोटल में गलती क्या कर दी, टोटल की गलती में यहाँ ज़्यादा था या कम, हमने ज़्यादा कर दिया, ओवर कास्ट, ओवर मीन ज़्यादा कर दिया है। सोल्यूशन क्या है, इसको कम करना है। तो अकाउंटिंग में देखें, जब कोई चीज़ कम करनी होती है तो उसको आप लेस नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट या क्रेडिट करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपोजिट टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ थी डेबिट, उसकी नेचर थी शायद मे बी एक्सपेंस है या एसेट है, तो उसकी नेचर क्या होती है, उसकी नेचर होती है डेबिट। अगर उसको हम अंडर कास्ट, वो हमारे पास ओवर कास्ट है, ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको अपोजिट नेचर क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई चीज़ अंडर कास्ट है, मतलब जितना जितना तो उससे हमने कम लिख दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, जितना कम लिखा है उतना इंक्रीज़ कर दें आप, उतना आप क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐड करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, इसमें इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा आपको पता है अकाउंटिंग में जब कोई चीज़ ऐड करें तो हम प्लस माइनस तो कर नहीं सकते यहाँ पे, यानी वहाँ पे जाके हम ये जी इस अकाउंट में गलती है, चलो जब इसमें इतने प्लस कर दें, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर। तो एट द एंड आपने अभी तक सोल्यूशन क्या याद कर लेना है, जब भी ओवर कास्ट होगा तो वो क्या होगा, अपोजिट टू नेचर, जब भी अंडर कास्ट होगा तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इनकम थी सेल्स, और वो क्या है, वो अंडर कास्ट है, तो सेल्स की नेचर क्या होगी, क्रेडिट, तो इसलिए जब ये अंडर कास्ट होगी तो इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नेचर, इसमें मजीद हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैंने लास्ट स्लाइड में जिक्र भी किया था, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंस, अगर नाम से देखें तो कुछ क्लियर नहीं है आपको, कुछ सस्पेंस है अभी, कुछ ना आप उस पर पहुंचे नहीं है किसी चीज़ के एंड पे, अभी तक कुछ डाउटेड है, कुछ सस्पेंस है, क्लियरिटी नहीं हो रही आपको, कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा, कुछ सस्पेंस है, कुछ क्लियर नहीं, पिक्चर नज़र नहीं आ रही प्रॉपर। तो अब आते हैं इसके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन अकाउंटिंग। अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू टेक अ केयर ऑफ एरर विच हैव कॉज्ड एन इम्बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इस सारी स्टोरी का मतलब क्या है, जो पहले 3 लाइन में यही बताना चाह रहा है, सपोज आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, एरर कब ट्रेस होता है, जब ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं। ट्रायल बैलेंस बनता है, सपोज आपके पास ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड टोटल आ रहा है 10,000, क्रेडिट साइड टोटल आता है 9,000, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड कितने से कम है, 1,000 से। अब ये गलती ट्रेस होगी आपको, अब ये तो नहीं कर सकते आपके जो डेबिट है उसे भी आप 9,000 खुद से कर दें, ऐसा नहीं करते। फिर आप क्या करते हैं, जो साइड कम है उस पर आप किस में उसे आप उस वक्ती तौर पर आप एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं सस्पेंस, जब प्रॉपर गलती ट्रेस हो जाती है तो फिर उस गलती को सस्पेंस अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर, उसको सस्पेंस अकाउंट को उसके अगेंस्ट आप क्या कर देते हैं, उसको नील कर देते हैं। सपोज अगर आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे आ रहा है तो कल को जब वो पता चल जाएगा किस वजह से ये गलती आई है, तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको डेबिट करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में आपको समझ भी आ जाएगी, मैं एग्जांपल क्लियर से क्लियर करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। व्हेन दे आर डिस्कवर्ड, ये वही बात, जब आप वो गलती ट्रेस कर लेते हैं, पहले जब आपको आपको सिर्फ फ़र्क समझ आ रहा है, कितना फ़र्क पड़ा है, वो गलती है, अब गलती नहीं पता कि किस वजह से हुआ, देन आप वन बाय वन सारी एंट्रीज देखते हैं, चेक करते हैं, जब आपको वो मिल जाती है फिर आप क्या करते हैं, करेक्ट, अ डबल एंट्री, वन इज सस्पेंस अकाउंट एंड अदर अकाउंट इज कंसर्न अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमारे पास रेंट जो था वो ओवरकास्ट है, रेंट ओवरकास्ट हुआ, ये हमें पता चला एट द एंड हमारे पास ये रेंट ओवरकास्ट आ रहा है, तो वो डेबिट साइड पे हमने ज़्यादा कर दिया हुआ था, तो अब उसने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड हमारी कम आ रही, वहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, सस्पेंस, तो रेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। मजीद ये देखिएगा, कहते हैं एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ, मैंने अभी जो बता रहे थे, जब भी सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली क्या है, कहता है सपोज, पहले एग्जाम्पल समझ लें, द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑफ आर एम, मिस्टर यहाँ पे आर एम से मुराद है किराना मुजम्मल साहब थे, कोई 100 रुपीज़ हमारा कोई अकाउंट्स पेबल था, कहता हमने शॉर्ट लिखा ही नहीं है, तो ये देखिए पहले ट्रायल बैलेंस, ये साइड इसकी 95,600 है और ये बन रही है 95,500,
क्रेडिट साइड हमारी कम आ रही, कितने से कम आ रही है, 100 से, तो हमने इसको 100 यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये किस वजह से, जब हमने ट्रेस किया तो हमें पता चला कि वो किस वजह से आ रहा है, वो RM को हमने लिखा ही नहीं हुआ था, तो गलती ट्रेस होगी। जब ये गलती ट्रेस होगी तो सोल्यूशन क्या कर देंगे हम इसी का सोल्यूशन ये कर देंगे, RM अकाउंट्स पेबल है, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है, और क्या है, अंडरकास्ट है, तो क्रेडिट इसकी नेचर है, अंडरकास्ट अकॉर्डिंग टू नेचर करेंगे तो हम RM को क्या कर देंगे, RM को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस वैसे क्या हुआ, डेबिट, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखिएगा डिफरेंस बिटवीन दी टू साइड्स। अब ये जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है ये टेम्परेरी अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट इसलिए है कि जब ये फ़र्क आ रहा था तो हमने इसको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया, जब हमें गलती समझ आ गई कि किस वजह से गलती है, इस RM की वजह से गलती थी, तो हमने इसको इसमें से क्या कर दिया, सस्पेंस को हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री करें तो RM क्या होगा, क्रेडिट होगा, सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पर देखें हमने क्रेडिट किया है, एंट्री जब रेक्टिफाई पास किया तो सस्पेंस क्या होगा, डेबिट, तो ये एक्चुअली टेम्परेरी अकाउंट था और ये ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस डिफरेंस को नेक्स्ट अभी आपने याद ये रखना है, आप इसका कंक्लूजन क्या है, जब भी आपके पास रेक्टिफाई एंट्री कर रहे होंगे अंडर कास्ट की, ओवर कास्ट की, आप उसी मेथड को अप्लाई करेंगे, नेचर देखेंगे, ओवर कास्ट है तो अपोजिट नेचर, अंडर कास्ट है तो अकॉर्डिंग टू नेचर, वो एंट्री आप पास कर देंगे, उसके डेबिट या क्रेडिट पर कुछ चीज़, सपोज रेंट आपका आ रहा है डेबिट साइड पे, रेक्टिफाई में क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं, वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। जो साइड रेक्टिफाई में जो साइड आपकी इक्वल ना आ रही हो, जो साइड कम हो, जितने से कम होगी उसको आप किस में लिख देंगे, सस्पेंस लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ने इसे देखिएगा जी, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे रेंट था, रेंट अकाउंट था हमारे पास अमाउंट 1000, तो ये हमारे पास क्या है, अंडर कास्ट है। अब इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें रेंट कितना है, 1000 से अंडर कास्ट है, तो अंडर कास्ट का मैंने आपको मेथड क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू नेचर या अपोजिट टू नेचर, जी हमने यहाँ करना है अंडर कास्ट में अकॉर्डिंग टू नेचर। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हमें देखना हैड कौन सा है, तो हेड यहाँ पे कौन सा, रेंट एक्चुअली हेड इस हेड एक्सपेंस है, रेंट का हेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, अंडर कास्ट है, नेचर क्या है, डेबिट, हम इसे मजीद डेबिट कर देंगे, देन वी विल रेक्टिफाई द बाई डेबिटिंग रेंट अकाउंट। हम इसकी अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब अंडर कास्ट ओवर कास्ट का क्वेश्चन आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, तो आपने कोई करेक्ट एंट्री, कोई रॉन्ग एंट्री पास नहीं करनी, आपने डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेंट अकाउंट क्या कह रहे हैं, अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट में करना है अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर इसकी क्या है, डेबिट, क्योंकि हमारे पास रेंट क्या है, ये एक्सपेंस है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम ये करेंगे जी, अंडर कास्ट है, अकॉर्डिंग टू नेचर डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये देखिएगा, ये रेक्टिफाई एंट्री, कोई करेक्ट कोई रॉन्ग एंट्री नहीं बनती होती इसमें, रेंट को हमने डेबिट कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है, क्रेडिट पर कुछ नहीं आ रहा, तो वही सस्पेंस वाला रूल बता दिया आपको, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट जी, क्लियर। आपने यही पॉइंट याद रखना है, रेक्टिफाई एंट्री पास करते हुए जब भी आप जो अकाउंट कंसर्न होगा उसको ठीक कर लेंगे, या अंडर कास्ट या ओवर कास्ट होगा तो अपोजिट इसको इक्वल करने के लिए, डेबिट क्रेडिट को सेम करने के लिए, अमाउंट को इक्वल करने के लिए आप उसमें क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक अमाउंटिंग ₹2000 ओवर कास्ट, कहता है परचेजेज बुक आपकी ओवर कास्ट है, स्वयं वही रूल अप्लाई करें, पहला स्टेप अकाउंट क्या है, उसकी नेचर क्या है, अकाउंट कौन सा है, परचेजेज एक्चुअली हेड इसका एक्सपेंस है, नेचर डेबिट है, ओवर कास्ट में क्या करना है, अपोजिट टू नेचर, नेचर क्या है, डेबिट, तो रेक्टिफाई करते हमसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये देखिएगा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवर कास्ट अंडर कास्ट जब भी आएगा इसकी हम करेक्ट और रॉन्ग एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि ये टोटल की गलती है और टोटल की हम कोई एंट्री पास नहीं करते होते, इसलिए हमारे पास कोई रॉन्ग एंट्री वहाँ पर प्रॉपर नहीं बनी होती, इसलिए हम डायरेक्ट रेक्टिफाई चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास परचेजेज ओवर कास्ट था, हमने परचेज को कर दिया क्रेडिट, डेबिट पर कुछ नहीं आता, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेबिट पर लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था ये आज हमने डिस्कस किया, दोबारा ओवर भी दे रहा हूँ आपको, ये हमारा टैक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने अंडर कास्ट और ओवर कास्ट को डिस्कस किया, कंसेप्चुअली और थ्योरी के लिहाज से फ्रेमवर्क इसका आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ, सस्पेंस अकाउंट को डिस्कस किया, रेटिफाई एंट्री की किसकी बनती है वो उस तरह डिस्कस कर दिया। अभी हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिक्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।